राम राम सारे भाइयों को। तो भाई स्वागत है आपके इस नए ब्लॉग में, आपके इस भाई का। आपके प्यार से 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे डन, थैंक यू सो मच। 1000 जनों की फैमिली हो चुकी है हमारी। तो भाई अपन जा रहे हैं, आज थोड़ा सा काम है उत्तम नगर साइड में, तो उधर जा रहे हैं। चलते हैं गुरुद्वारे से, गाड़ी वाड़ी आ रखी है, वहीं से चलेंगे। ठीक है, बाकी सारा मैटर दिखाता हूँ आगे। बेटी छोड़, सबको गाली देता रहे तो बात नहीं कर सकता, तो हो जाता सारा। अरे नहीं हो रहा ना, घंटा जी में ले आते तुम्हें, सब ट्राई कर लिया। अच्छा जी, किसी ने ऐसी बहन चुदवाई है, मेरा यूट्यूब में गाना चल रहा था वो तक गाल। चल भाई, और मेरे भाई बढ़िया, सब मौज में। कहाँ की सैर हो रही है आज? आज जा रहे हैं, जाके दिखाएंगे क्या सीन है क्या सीन नहीं है भाई। बाकी भाई को आप जानते हो, क्लब में उस दिन पार्टी में देखा होगा आपने डांस करते हुए। भाई जाम देख लो भाई, जाम। गाड़ी में भी रहने कोई फायदा नहीं है। तो भाई हम आ गए दिल्ली के जंगलों में, ये नए नए रास्ते देख रहे हैं पहली बार, लेकिन मजा आ रहा है देख के भाई। इधर देखो ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी, बगल में ये जा रहा है नदी, जा रही है, नदी जा रही है फुल। डुबकी उबकी मार लो भाई आके, और अपन है द्वारका साइड में अभी। मजा बांध दिया लेकिन भाई इस रोड ने, ठंडा कितनी है रोड। वही तो, ये तो गाँव के दिन याद दिला रहा है मेरे को। ये देखो रात में डरते होंगे बंदे सब। भाई दिल्ली में तो बहुत घूमे हम लोग, मैं आपको दिल्ली की ऐसी जगह दिखा रहा हूँ आज के टाइम में, आपने देखी ही नहीं होगी हकीकत में। सही बात नहीं कह रहा भाई, ये दिल्ली है मेरी जान, हकीकत में दिल्ली है मेरी जान। ये भाई देख, यहाँ पे शूटिंग होती है वो साथ में दुबई का सीन दिखाते हैं, ये बीच में समुन्दर हो गया। ये देख रहे हो भाई आपको, ये सारी शूटिंग दिल्ली में होती है, जिसका नाम होता है आउट ऑफ इंडिया था दुबई का सीन। ये देख रहे थे खेत पूरा आजादी, क्या अपना नोएडा तो कहीं आसपास भी नहीं इस वाले में। ये रहा भाई, ये रहा दुबई का व्यू, ये देखो, ये देखो भाई, ये समुंदर है, ये बीच में आइलैंड है, ये समुंदर है, ये बीच में आइलैंड। फिर तो हो गया मामला, लोकेशन में आपको उसमें डाल दूंगा, आप देख लेना। ये वन लोकेशन भाई है, पहली बार आया मैं दिल्ली में, हकीकत में दिल्ली इतना घूमता हूँ बुलेट से, दिल्ली का मैंने कहाँ कहाँ छान रखा, लेकिन इस एरिया में अभी तक नहीं आया। तो भाई आज अपन लेके आए, कहीं काम पे ही जा रहे हैं उसी रास्ते में, तो देखो। लेकिन दिल्ली से दूर बहुत है भाई, अपना फार्म हाउस है यहाँ पे, फार्म हाउस में जा रहे हैं, फार्म हाउस में भाई कह रहे, तो चलते हैं, ओके करते हैं, मौज है ना। बाकी मजेदार है भाई, गाड़ी लगा दी कुछ देर में। स्मार्ट तो देखना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। ये भाई सारे अपने जितने भी हैं आनंद लेते हुए भाइया, कुछ भी बोलते रहो, मैंने तो वीडियो डालते हुए। तो भाइयों बात ऐसा ना कि नज़ारे देखने के लिए आदमी को कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, और दिल्ली में ऐसे नज़ारे मिल जाए तो क्या कहना भाई। बिल्कुल सही बात नहीं है, यहाँ के ये देखो रोडे हुए हुए, बिल्कुल ही ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम कहीं उत्तराखंड या कहीं बाहर ही घूम रहे हैं। उत्तराखंड में भी नहीं मिलती ऐसी जगह जल्दी यार, मैं तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी जैसे जैनर मास्टर पीस ही है पूरा। पैसे दे देते आप बता दीजिए।
भाई देख लो क्या नजारा है, नीचे नहीं आ सकता, नीचे का दिखा देता तुम्हें। अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा ना, मैं खुद को नहीं दिख रहा भाई। तो भाई सनलाइट का मजा ले रहे हैं। अच्छा 30 सेकंड समझ गया मैं। तो भाई हम उदयपुर से सीधा निकल लिए चंडीगढ़ के लिए और 2 घंटे ट्रैवलिंग बाद सीधा चंडीगढ़ आ चुके हैं हम लोग। आप ये देखो, इसे कहते हैं खेती, इससे हरा भरा है क्या कुछ? अरे सारा प्लॉट जो आप जितना मामला देख रहे हो सब अपने भाई के हैं, भाई का गाय सारे आप लोग। अरे अपने ही है, मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, सिस्टम से सिस्टम ही सिस्टम हो रही है भाई। ये देख रहे हो जितना जहाँ तक नजर जा रही है सब अपना माल है भाई, जितनी कॉलोनी बोले सब काट रखी है हमने। ऐसी तो ही ना, यहाँ पे आओ और लो, आप लोगों के अपने हमारे कुछ नहीं। हाँ आप लो पैसा दो और ले जाओ, आपका प्यार चाहिए बस। हाँ ओनली वी वॉन्ट योर लव और नथिंग। तो भाई हम है दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे और जगह का नाम है ढांसा बॉर्डर, देख लो भाई। भाई बॉर्डर पे खड़ा हूँ बिल्कुल। तो भाई अपन निकल लिए वहाँ से, खेत वार सब कुछ देख लाख लिया, सब कुछ नज़ारे दिखा दिए आपको नजफगढ़ वाले रोड पे। वही ट्रैफिक, वही हाईवे, वही फ्लाईओवर, कुछ नया नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ इसमें। बाकी आप मुझे देख सकते हो जितना देखना चाहो, उसी है भाई ये मैटर। भाई टाइम भी हो गया अच्छा खासा, 6:15 हो गया भाई, तो अपन 7:30 से पहले तो पहुँचने से रहे। जाम का टाइम हो गया भाई, अब ये नहीं पता बर्फ वाला जाम है या भीड़ वाला जाम, लेकिन जाम जरूर मिलेगा। तो बस आज गाड़ी में 4-5 घंटे निकल गए। तेरा भाई एक मेट्रो स्टेशन आया भगवान जाने कौन सा, नंगली नंगा नंगू निंगी पता ना का भैया नंगली लिखा हुआ है, मैंने नाम भी नहीं सुना ना सुनना, मेरे को आना ही नहीं है बाबा इधर। ये ठुल्ले खड़े आज दिन में ही है, पता नहीं क्यों कुछ जोश में। दुकानदार यहाँ तो वैसे भी सारे चोर डकैत ही घूमते सारे, है ना, चलते रहो भाई। भाई ये जगह देख के ना बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत गाड़ियों का तेल और बुलेट का तेल फूके मैंने इधर, बुलेट के नहीं एफजेड के तेल फूके मैंने उस टाइम पे। हाँ उस समय एफजेड थी मेरे पे, एफजेड के तेल फूके मैंने इधर, बहुत तिल फूके भाई, किसी को पढ़ाते पढ़ाते हमारी डिग्रियां खत्म हो ली। ठीक है जो होता अच्छा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमें उत्तम नगर के सागरपुर में, और ये है भाई जाम है भाई जाम। तो भाई ये आ गया हम, वो भाई G20 के चक्कर में कितना चमका दिया है, देखना क्या काम किया है। नहीं पहले सही है, नहीं अभी लाइटिंग अच्छी। हाँ अभी बहुत दिनों बाद आया हूँ, ऊपर लाइटिंग कम थी, नहीं लाइटिंग पूरी थी पर चालू नहीं थी, चालू नहीं हो गया। बारिश कहाँ से आ गई फिर फंड की। तो भाई बहुत प्यारा ही बना दिया।